दोस्तों आखिर कौन से ऐसे दो रेसलर हैं जिसने WWE के खतरनाक शेर द बीस्ट को महज 3 मिनट में हरा दिया है। द बीस्ट और ब्रॉक लेसनर, जिसके सामने अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है। तो आइए जानते हैं कौन से ऐसे दो रेसलर हैं। नंबर 2 पे आते हैं सेट रॉलिंस। दरअसल रेसलमेनिया 35 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप स्टोरी लाइन की शुरुआत सेट रॉलिंस के 2019 मेंस रॉयल रॉम्बल मैच जीतने के साथ हुई। इस दौरान पॉल हैमन उन्हें लगातार डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेट रॉलिंस पीछे नहीं हटे और मैच शुरू होते ही द बीस्ट ने दावा बोल दिया। इस तरह से शॉकिंग वे में मैच की स्टार्टिंग हुई और एक समय पर ब्रॉक लेसनर गलती से रेफरी से जा टकराए और सेट रॉलिंस इसका भरपूर फायदा उठाते हुए ब्रॉक लेसनर के प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह चूर दिया। फिर क्या था, सेट रॉलिंस ने मात्र 2 मिनट और 28 सेकेंड में पिनफॉल की मदद से लेसनर को हरा डाला। नंबर 1 पे आते हैं गोल्डबर्ग। दोस्तों सर्वाइवल सीरीज 2016 में ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग का मुकाबला तो आपको याद ही होगा, जिसमें गोल्डबर्ग ने 2 स्पेयर और 1 जैकहैमर देकर द बीस्ट को मात्र 1 मिनट और 26 सेकेंड में चित्त कर दिया था। इसे देखने के बाद फैंस को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। और दोस्तों आने वाले समय में ब्रॉक लेसनर का मुकाबला वीर महान से होने की पॉसिबिलिटी है। तो यदि वीर महान से होता है तो द बीस्ट वीर महान पर भारी पड़ेंगे या फिर वीर महान ब्रॉक लेसनर को 3 मिनट से पहले हरा देंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।